नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पैनल से रिलेटेड रहने वाला है। पैनल को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, आपके पास कोई टीवी रिपेयर होने के लिए आता है तो उसका कुछ टिप्स यहाँ पे मैं देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पैनल को रिपेयर करना है, क्या कुछ चेक करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में आज हम एक प्रैक्टिकल वीडियो भी देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो हमको कैसे रिपेयर करनी है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि पैनल जब हम रिपेयर करने बैठते हैं तो हमको क्या कुछ चेक करना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल देना चाहूँगा यहाँ पे मैं। सबसे पहले क्या होता है कि पैनल का VCC वोल्टेज है, पैनल को इनपुट वोल्टेज मिलता है, पैनल का जो स्कैलर है या पैनल के अंदर टीकोन लगा रहता है, टीकोन और स्कैलर दोनों ही सेम चीज़ है। किसी किसी में टीकोन और स्कैलर दोनों लगा रहता है और किसी में आपका जो स्कैलर है उसी के अंदर टीकोन के जो पार्ट्स है वो बने रहते हैं, जैसे DC to DC मेन प्रोसेसर और अपना मेमोरी गामा सेक्शन सारे जो है वो टीकोन में या स्कैलर में दोनों में होते हैं। तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है पैनल का जो VCC है, जो कि पैनल का इनपुट रहता है। यहाँ पे 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, ये तीन तरह का पैनल जो है आपको LED में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर अभी जो पैनल अभी आपको मिल रहा है 32 इंच में, 40 इंच में, 50 इंच में, वो 12 वोल्ट का है, या 24 इंच से नीचे जो पैनल पहले आते थे वो 5 वोल्ट में थे, या कुछ 32 इंच के भी सेट हैं वो 5 वोल्ट में आपको मिलेंगे, या छोटा अगर लैपटॉप स्क्रीन आप रिपेयर करते हैं, लैपटॉप साइज अगर आप पैनल रिपेयर करते हैं तो वो 3.3 वोल्ट का रहता है। तो सबसे पहले हमको चेक करना होता है कि पैनल के अंदर जो VCC है, पैनल VCC जो पैनल का इनपुट है वोल्टेज है, वो बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर वो हमें बोर्ड से नहीं मिल रहा है हमारे पैनल की तरफ, तो हमको पहले हमारे बोर्ड की तरफ देखना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो VCC आपको चेक करना है। उसके बाद पैनल के अंदर एक वोल्टेज बनता है जिसको हम VDD या VCC भी हम बोल सकते हैं, 3.3 वोल्ट। यहाँ पे अलग अलग पैनल में अलग अलग वोल्टेज, ये VCC भी लिखा हो सकता है, VDD भी लिखा हो सकता है इस तरीके से, या किसी किसी पैनल में DVDD इस तरीके से भी लिखा हो सकता है। तो ये 3.3 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे हमको पैनल के अंदर DC to DC IC के सेक्शन में मिलना चाहिए। तीसरा जो वोल्टेज है वो रहता है AVDD। AVDD वोल्टेज जो है वो लगभग, अगर हम 12 वोल्ट के पैनल की बात करते हैं तो 15 वोल्ट से लेकर लगभग 17 वोल्ट तक होता है, 15 से 17 वोल्ट के करीब, 15 16 17 वोल्ट होता है। ये AVDD वोल्टेज है। इसके भी अलग अलग नाम आप अलग अलग पैनल में देख सकते हैं, किसी में VDDA लिखा होता है, किसी में VAA लिखा रहता है। और उसके बाद एक वोल्टेज जो आपको चेक करना होता है वो है VGH या VON, हम इसको लिख सकते हैं VON। तो ये जो है बूस्ट वोल्टेज होता है, ये लगभग होता है, अगर 12 वोल्ट के पैनल पे हम बात करते हैं तो 25 वोल्ट से लेकर लगभग 30-31 वोल्ट तक का आपको ये वोल्टेज जो है वो पैनल के अंदर मिलना चाहिए। इसके बाद जो है वो है VGL, या इसको हम VOFF बोल सकते हैं, ये माइनस सप्लाई है, ये लगभग पैनल के अंदर जो है -5 वोल्ट से लेके आप इसको -11 वोल्ट तक देख सकते हैं पैनल के अंदर। तो ये कुछ कॉमन सप्लाइयाँ हैं, जो कॉमन वोल्टेज हैं जो हमारे पैनल के अंदर हमें मिलने चाहिए। एक VCOM का वोल्टेज है, VCOM ये लगभग 5 वोल्ट से लेके 7 वोल्ट तक आप लोगों को ये मिलता है। तो ये कुछ मैंने वोल्टेज लिखे हैं जो कि आपको कॉमन आपको हर पैनल के अंदर मिलने चाहिए, चाहे वो 32 इंच का पैनल है, चाहे 40 का, चाहे 50 का, चाहे वो 4K सेट है या 2K है, फुल HD है या नॉन HD, कोई भी पैनल है, तो ये सप्लाइयाँ आपको आपके टीकोन या आपके स्केलर के ऊपर मिलनी चाहिए, तब जाके आपका जो पैनल है वो ग्राफिक्स दिखा सकता है या पैनल
जो है आपकी वीडियो बना सकता है। इसके बाद जो रहते हैं वो सिग्नल्स का काम रहता है, जैसे छोटे छोटे सिग्नल हैं जो हमारे पेयर के सिग्नल हैं, वो अलग अलग आपको जो सिग्नल हैं वो आप DSO से चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कॉमन वोल्टेज जो बेसिक वोल्टेज है ये ज़रूर आपको चेक करना है किसी भी पैनल के अंदर। अगर नहीं बन रहे हैं तो कैसे आपको चेक करना है वो मैं आगे आने वाले जो आगे हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिए वीडियो में, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अगर कोई पैनल आपके पास रिपेयर होने आता है तो ये वोल्टेज कहाँ कहाँ चेक करने और कैसे कैसे चेक करने हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आए, जिससे आप घर बैठे, आप अगर एक टेक्नीशियन है, आप कहीं जाके सेमिनार अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पे बैठ के आप इस तरीके के वीडियोस देख के आप अपना पैनल जो है वो रिपेयर कर सकते हैं, बोर्ड है वो रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई समस्या आपके पास आ रही है तो आप यहाँ पे देख के आप अपना काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं हमारे पास किस तरीके का प्रॉब्लम है और कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक 32 इंच का LED TV आया है, लोकल चाइना मेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉब्लम पैनल से रिलेटेड है। इस तरीके का इसके अंदर प्रॉब्लम है, जब हम ऑन करते हैं पहले इसके अंदर नो रास्टर रहता है और धीरे धीरे इस तरीके की लाइनिंग जो है इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे। फ्रेमलेस TV है ये। अब सबसे पहले हम इसका जो पैनल है वो ओपन करते हैं, इसको ओपन करके इसका पैनल निकालते हैं, कौन सा पैनल है, किस तरीके से इसको रिपेयर किया जाएगा, सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी देख पाए कि किस तरीके से इस तरीके का TV जो है आप रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे TV को हमने ओपन किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बोर्ड है वो स्मार्ट बोर्ड है, ATM30PB818, ये इसके अंदर बोर्ड लगा हुआ है, और BOE का 2 COF का पैनल है इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर जो है HV320WHB, ये 2 COF का पैनल है, टिकोन है इसके साथ में यहाँ पे लगा हुआ, ये BOE का टिकोन है इसके अंदर। तो ये 2 COF का पैनल है, जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को ऊपर दिखाई है उस तरीके के इसके अंदर प्रॉब्लम है, बार बन रहे हैं। तो सबसे पहले इसके वोल्टेज जो है वो हम चेक करेंगे, और दूसरा इसको फिजिकली आपको ज़रूर चेक करना है, कभी भी आप इस तरीके का प्रॉब्लम देखते हैं तो वाटर डैमेज हो सकता है हमारा पैनल। सबसे पहले दोस्तों हम अपना बेसिक वोल्टेज है जो हर पैनल में हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम इस टिकोन में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका VCC है वो 12 वोल्ट है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो है वो बन रहा है, यहाँ पे AVDD है, तो यहाँ पे AVDD जो है लगभग वो VCC के करीब है, जितना VCC है लगभग यहाँ पे 15-16 वोल्ट होने चाहिए, लेकिन हमारा AVDD है वो कम बन रहा है। इसी तरीके से ये VGH का पॉइंट है, तो VGH भी देखिए 11 वोल्ट के करीब है, तो VGH भी हमारा बूस्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे VGL जो है वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, यहाँ पे XON जो है वो भी यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे बूस्ट जो है वो जनरेट सही से नहीं हो रही है, VGH VGL AVDD जो है सही से नहीं बन रहे। तो सबसे पहले हमको ये FFC जो है निकाल के चेक करना है, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे टिकोन से रिलेटेड भी हो सकता है, या हमारे जो कोफ के ऊपर स्केलर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल शिफ्टर लगा हुआ है, साथ में कोफ में भी प्रॉब्लम हो सकता है इस पैनल में। तो सबसे पहले हमने ये FFC केबल जो है वो रिमूव कर दी है, सेट को ऑफ किया है, अब ऑन कर रहे हैं, और यहाँ पे बूस्ट हम फिर से दोबारा से चेक करेंगे। तो यहाँ पे VCC है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट है, उसके बाद 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे देखिए दोस्तों AVDD जो पहले 11 वोल्ट ही था यहाँ पे 16 वोल्ट हो चुका है, AVDD बन चुका है। यहाँ पे VGH जो है वो भी यहाँ पे देखिए 32 वोल्ट है, VGL माइनस 7.8 वोल्ट है। तो ये सारे वोल्टेज जो हैं यहाँ पे बन चुके हैं, इट मीन्स कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे
स्केलर साइड है ना कि टीकोन में। इस टीकोन के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा क्योंकि इसका बूस्ट जो है वो जनरेट हो चुका है। अब हमको क्या चेक करना है इस स्केलर के ऊपर, सबसे पहले फिजिकली हमको चेक करना है इसके कोफ। ज़्यादातर स्पार्क हो जाते हैं बीओई में दो कोफ के पैनल में, या वाटर डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं फिजिकली, इसका जो फ्रंट का ये वाला जो हिस्सा है इसको ओपन करके कोफ को देखेंगे ग्लास की साइड से, कहीं स्पार्क तो नहीं है, कहीं गला हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका जो फ्रेम था वो निकाल दिया है और कोफ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं जो कि कॉर्नर से स्पार्क होते बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इस कोफ में तो कोई भी डैमेज हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई भी इस कोफ में तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम दूसरी साइड जाते हैं इस साइड इस कोफ के अंदर। तो इस कोफ को जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं अपना माइक्रोस्कोप से, तो हल्का सा यहाँ पे जो है वो वाटर डैमेज हमें पे दिखाई दे रहा है। शायद कैमरे में भी ये ना आप लोग देख पाए। हल्का सा जो है वो कॉर्नर पे हल्का सा यहाँ पे वाटर डैमेज है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड का जो सीकेवी लाइन है इसको ओपन करेंगे, इसको कट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने जो सीकेवी के ट्रैक हैं वो यहाँ से हमने कट किया है। वीरे तू हमें दिखाएंगा तो सारा ही दिखेगा फिर। यहाँ पे दोस्तों मैंने सर्जिकल ब्लेड से ये वाले जो ट्रैक हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कट कर दिया है इन ट्रैक्स को। यहाँ पे इतने बहुत बारीक से आपको कट करना है ताकि आप दोबारा भी इनको जोड़ सके। तो यहाँ से कट करने के बाद अब हम इसको ऑन करके देखते हैं हमारे पैनल को। यहाँ पे मैंने पावर दे दिया है हमारे सेट को, तो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम जो है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ब्लू बैक है वो बिल्कुल क्लियर आ गया है इस तरीके से, और सिर्फ इधर का सीकेवी लाइन जो है हमने कट किया है। क्यों? क्योंकि ये कोफ जो था कॉर्नर से मुझे हल्का सा बर्न दिखाई दिया। तो आपके पास इस तरीके का कोई पैनल आता है बीओई का पैनल आता है, चाहे वो विदाउट टीकोन है या विद टीकोन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि जो कोफ है वो कॉर्नर से कहीं ना कहीं से स्पार्क हो जाता है। बहुत माइनर स्पार्क रहता है जो कि कई बार आंखों से दिखता नहीं है, आप माइक्रोस्कोप की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। तो इस तरीके से हमने ये जो पैनल है सक्सेसफुल रिपेयर कर दिया है, सिर्फ गेट लाइन को कट किया है। आपके पास इस तरीके का पैनल आता है, सबसे पहले बेसिक वोल्टेज, बेसिक वोल्टेज अगर नहीं बनते तो आपको कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम हमारा टीकोन साइड है या स्केलर साइड है। कंफर्म होने के बाद आपको फिजिकली ज़रूर चेक करना है। हो सकता है कि कई बार आपका कोफ ही डैमेज हो या स्केलर पीसी में प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है वो कोफ स्पार्किंग का देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने ये रिपेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि और अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।